सबसे पहले की है बिलीफ. तो बिलीफ जो है, आप में से कितने लोगों को अपनी कामयाबी का मुकम्मल यकीन है? सभी को यकीन है. कितने परसेंट? कहने की हद तक कि अमल की हद तक? अच्छा, आज हम सेल्फ टेस्ट करेंगे. सेल्फ टेस्ट यह है कि आपको किसी ने नहीं बताना कि आप अंदर से कैसे हैं, आपको खुद बताना चाहिए. मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, आपके मुतवाजी किसी शख्स की मिसाल दूंगा, आपने देखना है कि उसके बिलीफ का लेवल क्या है और आपके बिलीफ का लेवल क्या है. अभी तो आपने कह दिया 100%. अब जब जांच के देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली आप कहां पर खड़े हैं. यही है ना? Yes, तो हम बिलीफ की बात करते हैं. आप सबने कहा कि 100%. जब आप अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में परेशानियां आती है कि नहीं आती? चैलेंजेस आते हैं. जैसे आज का कर्फ्यू है. अब आज कर्फ्यू है और हाल में कुर्सी रखने की जगह नहीं है. नवीद साहब ने दरवाजा बंद कर दिया. तो इन मुश्किलात के बावजूद आप लोग यहाँ पहुंचे. तो ऐसी मुश्किलात हर रास्ते में आती हैं. तो मेरे पास एक इसके लिए एग्जांपल जो है, मेरी पसंदीदा एग्जांपल, वो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की है. आपको याद होगा, एक नेग्रो गुलाम, इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके जालिम आका ने इन्हें राह हक से हटाने के लिए कितने जुल्म सितम किए. ये कह देना कि उन्हें तपती हुई रेत पर लटाया जाता है, ये कोट पैंट पहन के उस अजियत का अंदाजा नहीं किया जा सकता. अनलेस के आप वाकई अरब के तपते हुए सहारा में जून जुलाई के महीने में पहुंचे, आपके कपड़े उतार के आपको उस रेत पर लटाया जाए, तब आपको अंदाजा होगा कि तपती हुई रेत पर लेटना क्या होता है. हम तो अंदाजा नहीं कर पा रहे उस चीज का, लेकिन फिर भी अंदाजा करना चाहें तो कभी रोटी पकाते हुए तवे पर हाथ रख लिया करें. आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा किस हद तक वो रेत गर्म होगी. भारी भारी पत्थर सीने पर रखे जाते, मारा पीटा जाता, ज्यादा गोब किया जाता. फिर उन्हें लालच दिए गए. ये सब कुछ किया गया कि नहीं किया गया? वो मारपीट हो, जुल्म शिद्दत हो, लालच हो, सोसाइटी ने बायकॉट किया, था ये हो, क्या कोई भी चीज उन्हें अपने मकसद, अपनी मंजिल से हटा सकी? इसलिए कि उन्हें इस बात पर मुकम्मल यकीन था, बिलीफ था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो वादा किया है वो हतमी और सच्चा है. जितनी मर्जी मुश्किल आए, जो मर्जी हो जाए, ये आरजी दुनिया अपनी जगह पर और एक फानी लाफानी सॉरी एक लाफानी दुनिया जहां मैं जाऊंगा, जहां पर हमेशा रहने वाला आराम और सुकून मिलेगा, उसका वादा जो मुझसे किया गया है वो सच्चा वादा है. तो इस बिलीफ की वजह से उन्होंने वो तमाम सख्तियां सही. ऐसा ही हुआ ना? अब आपके ऊपर भी सख्तियां होती हैं बाज़ोकात फैमिली की तरफ से. ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे मुमकिन है, ना तुम्हारे बाप ने पहले ये काम किया, ना तुम्हारे चाचा ने किया, तुम फिर नई सोच लेके आ गए हो. ऐसी बातें होती हैं ना? आप कहते हैं मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना काम करना है. वो कहते हैं पागल हो गए, नौकरी से बेहतर इज्जत किस काम में है कि बंदा नौकर हो जाए. सोसाइटी तो यही बताती है ना कि सबसे बाइज्जत काम यह है कि नौकर हो जाए. और बंदा उनसे पूछे कि आप घर में मौजूद नौकरों से कैसा सलूक करते हैं, लेवल तो वही है ना. एक आदमी 18वें स्केल का नौकर है, एक 20वें स्केल का नौकर है, एक 22वें स्केल का नौकर है, और एक घर में झाड़ू सफाई करने वाली नौकरानी है. सब बेसिकली तो नौकर है, स्केल का फर्क है. तो घर वाली के साथ जो सलूक आप करते हैं, 18वें ग्रेड वाले से 20वें ग्रेड वाला कर रहा होता है, 20वें वाले से 21 वाला कर रहा होता है, 22वें ग्रेड वाला 21वें वाले से कर रहा होता है. यही कुछ चल रहा होता है ना? तो वो कहते हैं कि इंसानियत की मिराज, इंसान की जो है तरक्की की इंतहा ये है कि कोई आदमी उसे अपनी गुलामी में ले ले. यही कहते हैं ना? अब आप कहते हैं नहीं, मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, अपना काम करूंगा. और वो आगे से कहते हैं कि आप पागल हो गए. फिर वो आपको कहते हैं कि तुम रात को 10 बजे क्यों आए हो घर से, जो नौकरी करते हैं वो तो शाम को 5 बजे घर आ जाते हैं. अच्छे बच्चे हैं, सुबह 9 बजे तैयार होते हैं, टिफिन हाथ में पकड़ा होता है. ऐसे ही होता है ना? उसके बाद जॉब पर जाते हैं, आराम से 12 बजे खाना खाते हैं, बाथरूम में जाके खुद ही वो टिफिन धो लेते हैं एक दफा, फिर 5 बजे घर आ जाते हैं, फिर वो लफा हाथ में पकड़ते हैं, बाजार जाते हैं, धनिया टमाटर और चीनी लेके आते हैं. अच्छे शौहर अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना? तो वो कहते तुम्हें एक अनोखी जिंदगी कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, दिन को भी काम करते हो, रात को भी काम करते हो, ये क्या काम हुआ? ऐसी बातें होती हैं. अच्छा, फिर कई दफा जिस बिजनेस में आप हैं, हर बिजनेस में ऊंच नीच भी आती है. मुल्क के हालात जिस तरह आज है, मुल्क के हालात भी खराब होते हैं, प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी हो जाती है, आपको मिलने वाला कमीशन या बोनस के जो भी उसे नाम दे लें वो बाज़ोकात लेट हो जाता है, बाज़ोकात लीडर तावन नहीं करता वो कहीं और चला जाता है, बाज़ोकात टीम तावन नहीं करती वो कहीं और चली जाती है, बाज़ोकात मैनेजमेंट तावन नहीं कर रही, बाज़ोकात लोगों की समझ नहीं आ रही. ये सब मामला होते हैं कि नहीं होते? अब कई लोग इन परेशानियों और मुश्किल का सामना नहीं कर पाते, वो क्विट कर जाते हैं. वो कहते हैं हाँ ये बात मेरे पास की बात नहीं है, जो मुझे घर वाले मिलने वाले जो कहते थे ये काम तुमसे नहीं होना था, वो सबके सब ठीक कहते थे, पर वो वापस चले जाते हैं. आपके कई लोग साथ छोड़ गए कि नहीं आपका? yes. और ईमानदारी से बताइएगा, कभी कभी आप भी डगमगा जाते हैं अंदर से? yes. बातें सच्ची करनी चाहिए ना. अच्छा, अब आप कहते हैं कि डगमगा जाते हैं कभी कभी कि मुझसे ये होगा कि नहीं होगा. एक तरफ ये भी आपका ही बयान है और दूसरी तरफ 100% कमिटमेंट है
आपका बयान है, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स शुरू करें। मैं इतनी जल्दी विद इन 5 मिनट्स बयानों को बदलना कि तो पॉलिटिशियन का काम है, इंसानों का काम नहीं है। जी अब कमिटमेंट का लेवल, बिलीफ का लेवल थोड़ा कम नजर आ रहा है, थोड़ा नीचे आ गया। तो नीचे लाना मकसद नहीं है, बिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि सुनर और लेटर, जल्द या बदेर, दो सो विन, जो लोग जीतेंगे, जो कामयाब होंगे वो लोग होंगे जो समझते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन। ये तो मुमकिन है कि कामयाबी की मंजिल थोड़ी देर से मिले आपको, ये तो हो सकता है कि मंजिल का रास्ता तवील हो, ये हो सकता है कि साल की बजाय 2 साल में वहां तक पहुंचे, ये सब पॉसिबल है। मगर ये मुमकिन नहीं कि आप कहेंगे मुझसे होगा नहीं और फिर भी हो जाए। मंजिल तक वही पहुंचेगा जो ये समझता है, जिसका ये बिलीफ है, जिसका ये यकीन है कि मैं हर हाल पर मंजिल पर पहुंचूंगा, मैं अपने ख्वाबों की जिंदगी को जीऊंगा। मंजिल तक वही पहुंचेगा, जुबान से कहने वाला नहीं, जिसका जान से जीऊंगा। जुबान का और दिल का मामला बाजू का डिफरेंट होता है। हम लोग कई बातें रस्मन मुंह से निकालते रहते हैं। एक साहब थे, अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करने का। वहां पर गए, तवाफ कर रहे थे, तो करते करते ना गिलाफे काबा हाथ में आ गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा एक मुतबर्रक मौका है, फौरन गिलाफे काबा को चूमा, आंखों से लगाया, और जो रवायती दुआएं लोग मांगते हैं ना, मुंह से उनकी भी दुआ निकल गई। कहते हैं कि या अल्लाह बड़ा कुछ पा लिया, अब तो एक ही दुआ है कि मक्का या मदीना की मट्टी नसीब हो जाए। घंटे बाद जनाब तबीयत खराब हो गई, अब वो रोने लग गए। कहते या अल्लाह दुआवां ते होर भी बड़ियां मंगियां सी, दिलां दा हाल बेहतर जानते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जब तक जो आपके दिल में है वो जुबान पर हो, और जो जुबान पर है वो हाथों पर हो, यानी आपके अमाल, कल्ब, जुबान और हाथ, जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तब बिलीफ कंप्लीट होगा।